नमस्कार साथियों, मैं वीर कसाना स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम दर्शन भाई से बात करेंगे जो RPS 07 रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम जो थी उसके बारे में। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। रेजिडेंशियल स्कीम है यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की, जिसमें 1184 प्लॉट अथॉरिटी ने निकाले हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है जो यहाँ सस्ते दाम पर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, क्योंकि 24,600 रुपए इसका सर्कल रेट के आधार पर रखा गया है प्राइस। और अगर हम आज की बात करें, आमतौर पर 50,000 रुपए मीटर से कम की प्रॉपर्टी यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है, जो कि अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है अगर उसके विषय में बात करें। अब इस स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों ने पहले कभी किसी स्कीम में अप्लाई किया हो उन्हें पता होता है प्रोसीजर का, लेकिन काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पहले कभी अप्लाई नहीं किया लेकिन वो अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं बताना चाहूंगा कि अभी कई कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि जब हमने इस वेबसाइट को ओपन किया उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया तो हमें पासवर्ड नहीं मिला। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, जैसे ही आपके सामने वेबसाइट खुलेगी सबसे पहले उसमें ऊपर ही RPS 07 का सेक्शन दिया हुआ है, वहां आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही आपके सामने उसका जो फॉर्मेट है वो खुल जाएगा। सबसे पहला स्टेप है आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वहां लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे। उसमें आपका नाम, आपका जो एप्लीकेंट है मतलब एप्लीकेंट का नाम, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप साइन अप करेंगे। जैसे ही आप वहां साइन अप करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो आपकी उस ईमेल पर पहुंचेगा जो आपने वहां पर ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड किया है। अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, और ऐसा आमतौर पर हम भी करते हैं, कि अगर कोई चीज हमें मेल के माध्यम से भेजी गई है तो हम उसे ईमेल के इनबॉक्स में चेक करते हैं, लेकिन 99% चांसेस है कि ये जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से पासवर्ड जाता है ये इनबॉक्स में ना जाकर स्पैम फोल्डर में जाता है, और आमतौर पर व्यक्ति उसको नहीं खोलते और वो इनबॉक्स में ढूंढते रहते हैं और मेल का वेट कर रहे होते हैं कि अभी किसी कारणवश मेल नहीं आ पाई है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी लोगों का आ रहा था कि हमारे पास जो है ना पासवर्ड नहीं आ पा रहा है, पासवर्ड नहीं आता। हाँ, उसका रीजन यही है कि वो स्पैम में जाती है मेल। तो आप सभी लोग स्पैम में इसको देखें, वहां आपको ये मिलेगा। वहां से पासवर्ड लेने के बाद जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए आप फिर से वही वेबसाइट पर जाएंगे, RPS 07 की उसी सेक्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहां रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका पासवर्ड है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगेगा। अभी रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसके बाद वो पासवर्ड डालेंगे जो स्पैम में पहुंचा है। वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, जैसे ही आपके सामने फॉर्म का वो फॉर्मेट खुलेगा सबसे पहले 590 रुपीज आपको देने होंगे, जो फॉर्म की फीस रखी गई है, जिसमें 500 रुपए तो फीस है और 90 रुपीज जीएसटी है। तो जीएसटी के साथ पेमेंट को मतलब पे करने के बाद आपका फॉर्म खुलेगा। हाँ जी, तो जीएसटी के साथ मिलके वो 590 रुपए आपको पे करने होंगे। वो किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, क्यूआर कोड के आधार पर भी, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, ये तीन ऑप्शन है। इंस्टेंट आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद ही आपके सामने फॉर्म खुलेगा। अभी अप्लाई नाउ के ऑप्शन आएगा, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे, देन आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, एप्लीकेंट नेम, वो उसमें प्रीफिक्स होगा, क्योंकि फॉर्म जब आपके सामने खुलेगा उसमें एप्लीकेंट का जो नेम है वो वही शो होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला है। तो अगर आप जिस नाम से फॉर्म भरना चाहते हैं उसी नाम से रजिस्ट्रेशन करें, साइन अप उसी नाम से करें, सबसे पहले ये बात। उसके बाद आप जैसे ही फॉर्म खुलेगा सबसे पहले करेंगे कैटेगरी, कि आप किसी विशेष कैटेगरी से आते हैं या जनरल में आते हैं। एक मिनट, ये कैटेगरी का जो है दर्शन जी, इसमें कोई विशेष छूट है कैटेगरी के लिए या सबके लिए ही एक समान है? सबके लिए एक समान इसलिए नहीं है कि उसमें दो सेक्शन है, SC ST और जनरल। जो जनरल में फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा विशेष छूट नहीं है जी। लेकिन SC ST के लिए सर्टिफिकेट वहां पे आपको अपलोड करना होगा, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद एक विशेष छूट वहां पर है। अगर मैं बात करूं, आप फार्मर कैटेगरी से हैं, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे के ऐसे किसान हैं
कि आपका मुआवजा में मतलब जो जमीन आपकी मुआवजे में गई है और आप यमुना एक्सप्रेसवे के बाशिंदे यानी पुश्तैनी किसान हैं, तो आप किसान कैटेगरी से फॉर्म भरें, वो जनरल में करने के बाद फिर उसके बाद आप सब कैटेगरी में जाके फार्मर सेलेक्ट करेंगे। तो सब कैटेगरी में बहुत सारी चीजें दी हुई होती हैं, उसके आधार पर फिर अलग अलग तरह से छूट मिलती है। अगर मैं बात करूं किसान के बारे में तो 17.5% का डिस्काउंट किसान को है। किसान इसमें क्या आईडी प्रूफ लगाए कि मतलब कि उसको ऐसा फील हो कि मतलब अथॉरिटी को ये लगे कि हाँ ये यमुना का किसान है, क्या ऐसा वो लगाना है उसको? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी कहीं के किसान है उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वो जो उनकी जमीन है, जो खेती है, उसका प्रूफ वो दर्ज करें। वो ऐसा कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, उसके लिए आपकी खसरा खतौनी है जी। उसके लिए वो तमाम दस्तावेज हैं, जो आप किसान थे आपने वहां जमीन दी, उसके बाद आपकी जमीन का जो आपको मुआवजा मिला उसका नक्शा 11 एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको नक्शा 11 बोलते हैं, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो तमाम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बाद आप ये प्रमाणित कर सकते हैं कि आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के किसान हैं और आपकी जमीन आपको मुआवजे में गई है, यानी आपकी जमीन का आपको मुआवजा मिला है। उस कैटेगरी में आपको 17.5% की छूट है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अभी तीसरा ऑप्शन अगर आता है वो आएगा कि कितने मीटर का प्लॉट आप भरना चाहते हैं। उसमें साइज दिए गए हैं 120 मीटर से लेके और 2000 मीटर तक के तमाम जो साइज है वो वहां दिए गए हैं। जैसे ही आप उसका एरिया सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक उसमें जो अमाउंट जाना है 10% अमाउंट वो उसको प्रीफिक्स ले लेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और इस तरह की कई ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें आप फिल करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट का विशेष ध्यान ये रखें कि जिस भी अकाउंट में अगर किसी कारणवश आपने प्लॉट भरा है और प्लॉट नहीं निकला, अभी 1 लाख के आसपास एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही व्यक्ति हैं यानी 1184 ऐसे खुशनसीब हैं जिनके यहाँ प्लॉट निकलेंगे, बाकी सबके प्लॉट नहीं निकलेंगे तो उन्हें अमाउंट रिफंड किया जाएगा, उनका पैसा उन्हें रिफंड किया जाएगा, जिसके लिए अथॉरिटी ने 90 डेज का टाइम दिया हुआ है, 90 दिन के अंदर वो रिटर्न कर देंगे। लेकिन उसमें जो डिटेल मांगी गई है, जो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें मांगा गया है कि आपका वो बैंक अकाउंट आप वहां दर्ज करें, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच और अकाउंट नंबर जिसमें आपको पैसा रिटर्न लेना है, तो उसका विशेष कर ध्यान रखें, उसमें कोई गलती ना करें, उसे अच्छे तरीके से देख के क्रॉस चेक करके फिर भरें। उसके बाद जिस भी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। तमाम चीजें डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फोटो लेके उसे आप वहां अपलोड करेंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में सबसे पहले आधार कार्ड, आपका फोटो, आपका पैन कार्ड, आपका रजिस्टर्ड जो सिग्नेचर है मतलब जो ऑथराइज सिग्नेचर है आपके वो साइन, और अगर आप किसी विशेष कैटेगरी से हैं तो वो कैटेगरी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स आपको वहां अपलोड करने हैं। इस तरह की तमाम चीजें अपलोड करने के बाद जो साइज वहां दिया गया है, कई का 20 से 200 KB, वो सब चीज आप देखेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे, उसको भरने के बाद ही आप अपलोड करने के बाद ही उसे सेव करें। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि पेमेंट का ऑप्शन होगा। पेमेंट का ऑप्शन, तो अभी तक आपके पास पूरा चांसेस है, आप बैक आ सकते हैं, फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, फिर से ऐसा भी है कि इसमें एक बार सबमिट करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। हाँ जी, लेकिन वो फाइनल सबमिशन के बाद, फाइनल सबमिशन के बाद भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ 10-20%, पूरा चेंज नहीं कर सकते। अभी आप पेमेंट के सेक्शन पे पहुंचेंगे तो पेमेंट सेक्शन में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नेट बैंकिंग से कर दें जी, या आप ऑनलाइन जैसे भी जो भी माध्यम है RTGS कर दें या जिस तरह से। मेरा कहने का मतलब ये है कि अधिकतर लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो नेट बैंकिंग से वहीं से पेमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि सेफ्टी पर्पज को ध्यान में रखते हुए आप मेरा चालान जनरेट कर दें और ये चालान में लेके अपने जो बैंक शाखा है वहां जाकर RTGS कर दूंगा। ये भी एक सेफ मोड हो सकता है, और इसके लिए आप वहां से चालान जनरेट करके उसका प्रिंट लें और अपनी नियरेस्ट जो आपकी होम ब्रांच है वहां पहुंचे। कुछ लोगों के क्वेश्चन से दर्शन जी कि बैंक लोन की क्या सुविधा है, इसमें क्या इंटरेस्ट ले रही है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि कुछ जैसे सपोज अगर आप इतने सक्षम है, आपके पास अमाउंट है, आप RTGS कर दिया है आपने, RTGS के बाद आपका जो चालान है जैसे ही आपकी पेमेंट आगे पहुंचेगी, रिसीव होगी,
आपको सक्सेसफुल का चालान आपकी उसी वेबसाइट पर जनरेट हो जाएगा। एक बार पेमेंट करने के बाद आप फिर से आएंगे, देखेंगे वहां पे सक्सेसफुल का चालान दिखेगा। अब इसमें मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, पहले ऐसे काफी कॉल्स आ रहे हैं कि हमने पेमेंट कर दी है, हमारे अकाउंट से पैसा कट गया है, लेकिन ना तो जनरेट हुआ आगे और ना ही रिफंड आया हमारा, अपडेट नहीं मिला है कुछ। जी, तो पैसे से संबंधित कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, पैसा कट गया है, आखिर क्या रहा, डिटेल्स चेक करी, सब चीजें ठीक है। ऐसा होता है कि जब किसी बैंक के माध्यम से आप आरटीजीएस करते हैं, और ये एक सिस्टमेटिक है, अभी आप देख रहे हैं हर एक चालान का अकाउंट नंबर अलग है। आप अगर नोटिस करेंगे तो अगर आप 5 फॉर्म भर रहे हैं तो पांचों ही फॉर्म के अकाउंट नंबर अलग होंगे। ये सिस्टमेटिक तरीके से चीजें बनाई गई हैं। उसमें क्या है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है, आपका पेमेंट आगे नहीं पहुंचा है, ना ही अपडेट हुआ है, आप परेशान ना हो। कई बार ऐसा होता है टेक्निकल इश्यू के कारण एक दो घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा समय लग रहा है तो आप अपनी उस होम ब्रांच जाएं जहां से आपने आरटीजीएस किया है, आपको वो पैसा आएगा, उससे पहले आपको रिफंडेड का मैसेज आ गया होगा, लेकिन आपके खाते में पैसा नहीं आया। तो उसका रीजन क्या है कि जो आपकी शाखा है, होम ब्रांच है जी, उनका एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है जो आपके सेविंग अकाउंट से अलग होता है, वो बैंक के यूज के लिए होता है। ऐसा भी देखा गया है कि वो पैसा रिटर्न अगर आया है तो उस खाते में पड़ा हुआ है। तो जब आप अपनी होम ब्रांच जाएंगे वहां आप देखेंगे वो पैसा वहां है, उसके बाद आपको दोबारा से लोगों का क्वेश्चन था, तो इसमें ये दर्शन जी ने जैसा बताया है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इन लोगों 1% भी ना घबराएं। सबसे पहले डिटेल्स चेक करें, क्रॉस वेरीफाई कर लें डिटेल सही है, उसके बाद ही आरटीजीएस करें। और अगर आरटीजीएस सक्सेसफुल आपकी तरफ से हो गया है लेकिन अपडेट नहीं हुआ है, 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी बैंक ब्रांच फिर से जाएं, उसको दोबारा से आरटीजीएस करा दें, लेकिन बैंक के उस खाते से कराएं जिस खाते में वो पैसा रिटर्न आया है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, फिर बैंक दोबारा आरटीजीएस कर देगा और वो चीजें आपकी सहजता से सब सॉल्व हो जाएगी। अब बात आती है फाइनेंस की। कुछ लोग ऐसे हैं जो 10% बुकिंग अमाउंट को भी फाइनेंस कराना चाहते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अपना चैनल पार्टनर बनाया है, तो आईसीआईसीआई बैंक दिल्ली और एनसीआर की वो तमाम ब्रांच और अलग अलग हिस्से की काफी ऐसे स्टेट है जहां पे ये हैं, आप वहां उस ब्रांच जाएं और उससे जुड़े हुए दस्तावेज, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, अगर आप एलिजिबल हैं तो ही बैंक लोन करेगा। तो वो तमाम चीजें हैं। बाकी आपको ये है कि 10% अमाउंट भी फाइनेंस हो सकता है, और उसके बाद अगर प्लॉट अलॉट हो जाता है तो भी फाइनेंस की सुविधा आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से अवेलेबल है। तो ये सब चीजें कंसिडर करेगा बैंक तब आपके डॉक्यूमेंट्स उस चीज को, एलिजिबिलिटी को आपके लिए बनाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा मतलब लोग इस बात की बहुत चिंता कर रहे हैं कि मेरा पैसा कट गया, अपडेट नहीं हुआ। तो घबराए ना, डिटेल्स को अच्छे से भरें, चेक करें, और मात्र 5 ही दिन बचे हैं आगे, आज 25 तारीख हो गई है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में फॉर्म भरें, क्योंकि कुछ नहीं पता आखिर वो कौन सा फॉर्म होगा जिसको क्लिक कर लिया जाएगा और जिसके नाम पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में सस्ता प्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा। तो कोशिश जरूर करें, होना ना होना परमात्मा के हाथ है, लेकिन आप लोग बिल्कुल कोशिश करें। और अच्छा मुनाफा मैं बताता हूं, जैसे ही प्लॉट आपका निकलेगा, प्लॉट अलॉट होते ही सीधा डबल का फायदा तो आपको आज ही है, यानी 18 तारीख को ड्रॉ है, अगर 19 तारीख में प्लॉट आपका डबल में होता है तो इससे बड़ी खुशी की बात, आप एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, बहुत डबल है, बिल्कुल कंफर्म है। हाँ, इसमें एक बॉन्डिंग भी दिया है अथॉरिटी ने, लगभग 3 वर्ष तक आप इसको बेच नहीं सकते, आपको रखना ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके लिए लगभग 90 डेज का टाइम है, और पेमेंट प्लान 1 यानी प्रायोरिटी अथॉरिटी ने उन क्लाइंट्स को दिए, उन निवेशकों को दिए जो यहाँ 1 टाइम पेमेंट करने में सक्षम है। तो पेमेंट प्लान, जो पेमेंट का जो प्लान है उसे 1 सेलेक्ट करिएगा, वो 1 टाइम पेमेंट करने में सक्षम है, इस तरह से उनको प्रायोरिटी है, तो प्लॉट निकलने के चांसेस ज्यादा है। तो आप सभी को इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, तमाम जानकारियां आप ले सकते हैं। आगे 5 दिन बचे हैं, फॉर्म जरूर भरिए, अप्लाई जरूर करिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।